मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। कहानी आप सबने पढ़ी, राम जी की कहानी मैंने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी, लेकिन मेरा निवेदन है कि राम जी की कहानी फिर से पढ़िए। मेरी तरफ से निवेदन, राम जी की पूरी जो कथा है ना, रामचरितमानस में है, रामायण में है, पूरी मत पढ़िए, एक ही कांड पढ़िए, उसका नाम है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड पढ़िए, फिर से पढ़िए। उसमें भरत और राम का संवाद है। उसमें भरत आए हैं राम को मिलने, खड़ाऊ लेके आए हैं, पिताजी की मृत्यु का समाचार लाए हैं कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए आपके वियोग में, आप वापस चलो, और नहीं चलते तो खड़ाऊ। तो राम जी का भरत से जब मिलन हुआ है तो राम जी ने भरत को सवाल पूछे, 64 सवाल पूछे उन्होंने। ये सवालों का जवाब भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का रास्ता है। सवाल क्या पूछे हैं भरत को? पहला सवाल पूछा है कि भरत, राज्य में तुमको देके आया था? हाँ। भरत कहते हाँ, मैंने राज्य आपका संभाला हुआ है। तो तुम ये बताओ कि राज्य की प्रजा का क्या हाल है? तो भरत कहते हैं प्रजा का हाल तो बाद में बताऊंगा, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, पहले वो सुन लो। तो उनका पिताजी का तो बताना, पहले प्रजा का बताओ। तो भरत कह रहे हैं कि धन धान्य से तो प्रजा सुखी है, लेकिन आपके नहीं रहने से दुखी। तो राम पूछ रहे हैं धन धान्य कितना है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है, बेकार तो नहीं है। तो भरत सबका उत्तर दे रहे हैं कि ना कोई प्यासा है, ना कोई भूखा है, ना कोई बेकार है, ना कोई बेरोजगार है। तब राम कहते हैं कि भरत तुम आदर्श राजा, तुम ही शासन चलाओ, मेरे आने की जरूरत नहीं, मैं तो ये जंगलों के कंसों का और रावणों का सफाया करके फिर आऊंगा। इसका मतलब राम राज्य कैसा रहा वो ये है, कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में कदहू न व्यापा। माने दैहिक दैविक और भौतिक कोई दुख राम राज्य में किसी को हुआ नहीं। तो ऐसा राम राज्य हमें लाना, न कोई भूखा, न कोई प्यासा, न कोई बीमार, न कोई